अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमने आज ओवर आई की इंस्ट्रक्शन को रन करके देखना है कि वो किस तरह रन होगी ऑन डेटा पाथ। तो यहाँ पे हमारे पास अब ओवर आई का जो फॉर्मेट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी इमीडिएट की वैल्यू आ रही है, मतलब इमीडिएट का वर्ड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे आई टाइप का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। तो आर टाइप का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास आर एस आर टी और यहाँ पे इमीडिएट वैल्यू होती है और ऑपकोड होता है। अब और आई का जो ऑपकोड होता है वो हमारे पास 13 होता है, ठीक है। तो ऑपकोड आ गया। आर एस हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी जो हमने रीड करनी है और जिसको हमने मतलब और आई का ऑपरेशन अप्लाई करना है जिस पर, और इमीडिएट वैल्यू होगी। इमीडिएट वैल्यू और आर एस पे हमने क्या परफॉर्म करना है, और आई का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे फिर जो फंक्शन परफॉर्म करके हमारे पास वैल्यू आएगी वो आर टी में हम लोड करेंगे या सेव करेंगे। तो हम अगर इसकी बिट्स की बात करें तो 0 से 15, 16 से 20, 25, 26 से 31। तो ये हमारे पास सिंपल और आई का फॉर्मेट है। ओके, और आई का काम क्या होता है? और आई का काम ये होता है कि आर टी के अंदर उसने स्टोर करवाना होता है, क्योंकि वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल होगा आर टी। तो उसने आर टी के अंदर स्टोर करवाना है, और आर एस और इमीडिएट वैल्यू को, जो हमारे पास 0 से 15 तक बिट्स हैं वो इमीडिएट वैल्यू है, हमने उसको इन दोनों को और करवाना है। तो हमारे पास और आई जो और इमीडिएट जिसके हम कहते हैं वो वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। ओके, अब हम इसको अगर डेटा पाथ पे रन करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन का डेटा पाथ बनेगा। क्योंकि हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जो है वो डेटा रीड करना है, तो मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी आ जाएगी, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी से हमने आर एस में जाना है और आर टी में जाना है। तो यहाँ पे आर एस यहाँ पे होगा, आर टी होगा, आर डी नहीं इस्तेमाल होगा। ओके, अब ये हमारे पास हो गया, रीड कर लिया हमने इसको आर एस में से डेटा को। अब हमने इसको रीड करके ए एल यू में दे देना है। ओके, हो गया। अब क्योंकि 0 से 15 तक जो हैं बिट्स वो क्या हैं, इमीडिएट वैल्यू की बिट्स हैं, तो मैं उन बिट्स को उठा के क्या करूँगा, सिंपली साइन एक्सटेंड कर दूंगा, साइन एक्सटेंड हो जाएगा, 32 बिट्स बन जाएंगी। 32 बिट्स बन जाएंगी तो मैं यहाँ पे इसको मक्स में से भेजूंगा और यहाँ पे ए एल यू में चला जाएगा। अब ए एल यू का बाकी काम है कि वो क्या करेगा, उन दोनों को 32 32 बिट्स को क्या करेगा, ये 32 बिट्स हैं, ये भी 32 बिट्स हैं, तो ये दोनों को ओर का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब और का फंक्शन परफॉर्म तो हो जाएगा, तो अब ये राइट बैक भी तो करवाना है। तो राइट बैक करवाने के लिए हम यहाँ पे मार्क्स को 0 दे देंगे, और 0 देंगे तो हमारे पास ये जो ये वाला फंक्शन है, यहाँ से डाटा जो होगा और ऑपरेशन के बाद यहाँ पे चला जाएगा और राइट बैक हो जाएगा। इन विच रजिस्टर? इन आर टी रजिस्टर। इनके जो है कंट्रोल सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास रजिस्टर डेस्टिनेशन जो है, रजिस्टर डेस्टिनेशन में हमारे पास क्या जाएगा, 0 जाएगा, जंप डोंट केयर रहेगा, ब्रांच डोंट केयर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यूज नहीं हो रहे, मार्क्स के में जा रहे हैं दूसरी बात, तो इसलिए हमने यहाँ पे डोंट केयर देने हैं। और मेमोरी हो रही है? नहीं हो रही, तो यहाँ पे 0 हम दे देंगे। मेमोरी रजिस्टर, मेमोरी से रजिस्टर में जा रहा है, यस जा रहा है, जो कि 0 है। मेमोरी से तो नहीं जा रहा खैर, लेकिन फिर भी उसका सिग्नल जो है वो हम 0 देंगे। ओके, ए एल जी ओप जो है, क्योंकि ये और का ऑपरेशन है और इमीडिएट है, तो हम यहाँ पे डोंट केयर लगाएंगे। मेमोरी के लिए होता है, ब्रांच के लिए होता है, और आर टाइप के लिए होता है, इंस्ट्रक्शंस के लिए हम यहाँ पे डोंट केयर ही लगाएंगे। ओके, मैम राइट का जो है वो सिग्नल 0 ही रहेगा। ए एल जी सोर्स 1 देंगे, क्योंकि ये हम 1 दे रहे हैं यहाँ पे, और रजिस्टर राइट
क्योंकि रजिस्टर राइट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रू का सिग्नल देंगे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।